आने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अपडेट रखनी चाहिए, कितनी तपरी है ये गाड़ी। अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए, यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। लगातार हो रही बारिश से जहाँ जनजीवन प्रभावित हुआ है वह तो वही फसलों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। खंडवा में पिछले 3 दिनों से लगातार हुई बारिश ने खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। लगातार बारिश होने की वजह से खेतों में जल भराव हो गया, इसी कारण सोयाबीन मक्का कपास मिर्ची और सब्जी की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा है। किसान अब फसल बीमा योजना के तहत सरकारी अफसरों के सर्वे का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में इतनी बारिश हुई कि पूरे सीजन का आधे से ज़्यादा कोटा पूरा हो गया है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश ने खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। लगातार बारिश होने की वजह से किसानों के खेतों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण सोयाबीन कपास मक्का मिर्ची और अन्य सब्जियों की फसल खराब हो गई है। किसानों की बात माने तो लगभग 30-40% फसलों को नुकसान पहुंचा है। छोटे किसान अब अपनी फसल की लागत को लेकर चिंतित है। यह किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा के तरह सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं। इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बारिश की वजह से खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करना चाहिए, जिससे समय पर किसानों को राहत मिल सके। देखें खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर पूरी खबर। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बारिश बहुत बढ़िया रही, लेकिन क्या हुआ कि लगातार मतलब शनिवार से मंगलवार तक कंटिन्यू 24 मतलब रात दिन बारिश होने से पानी मतलब अब जब ज़्यादा हो गया, मतलब जल भराव ज़्यादा हो गया फसलों में, तो उसके कारण थोड़ा नुकसान हो रहा है। पीछे देख ही रहे हो हमारे सोयाबीन कपास हमारा लगा हुआ है, नुकसान हो गया है, समझ के चलो कि 60-70% नुकसान है। तो अभी आना चाहिए पटवारी वगैरह ग्राम सेवक, इन्होंने जो भी इनसे संबंधित है फसल के बीमा हमसे बैंक वालों ने करवा के रखा, उन्होंने भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि जो जो नुकसान है उसका आकलन अभी करना चाहिए। जैसे तैसे करके अब हमारी तो लागत बहुत सारी लगी हुई है, तो हम तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से अपने खंडवा लोकल और पंधाना तहसील इसमें लगातार बारिश हो रही है, जबकि हमारा सूखा क्षेत्र इसमें सबसे ज़्यादा हम सोयाबीन की फसल बोते हैं। इसमें अब खेतों में जैसा पानी बह रहा है जैसे नदी नालों में पानी बहता हो, तो सोयाबीन की फसल के साथ मिर्ची है, कपास है, ये सारी फसलें अब खराब होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बीमा योजना है इसके तहत अभी तक कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति खेतों में नहीं पहुंचा है, क्योंकि लगभग 50-60% नुकसान हो चुका है। यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि खेतों में जा करके किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और किसानों का अभी मुआवजा राशि और इसका बीमा जो भी हुए उसका भी किसानों को दिया जाए।